पेट्रोल पंप कारोबारी के हत्या में संपलित 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ मामले के उद्भेदन किया। नमस्कार, मैं भारद्वाज मिश्रा और टाइम फैक्ट्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। रोहतास जिले में बीते 16 दिसंबर को कोचस इलाके में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कारोबारी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस हत्याकांड को चुनौती के रूप में लिया था। तत्काल सहायक पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह सासाराम के नेतृत्व में टीम का गठन कर रोहतास से 2 व बक्सर क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को अरेस्ट करने के समय इसलिए लगा क्योंकि वो लोकल नहीं थे। पेट्रोल पंप कारोबारी राहुल हत्याकांड मामले में पुलिस ने 5 उद्भेदकों को गिरफ्तार किया, जिससे सभी ने घटना में शामिल होने के बात कबूली है। पुलिस ने इनके मोबाइल नंबर से इनका CCDR भी निकलवाया, जिसमें घटना स्थल पर उनकी लोकेशन मिली है। जल्द गिरफ्तार किए गए आरोपियों की चार्जशीट लगाई जाएगी। तो आइए देखें पूरी खबरें विस्तार से। कार्रवाई है, हम लोग अपराधियों के लिए तुरंत टीम गठित करते हैं, विशेष SIT हम लोग गठित करते हैं इस उद्भेदन के लिए, और साथ में जो यहाँ का SHO है, यहाँ की पेट्रोलिंग पार्टी का इंचार्ज जिसको दायित्व दिया गया था, उन दोनों को मैंने निलंबित अभी करके जाऊंगा यहीं से, और विधिवत वहाँ पर ऑफिस में पहुंच के आदेश निकाल दूंगा। ये और यहाँ के बाकी अफसरों का भी हम जांच कर रहे हैं कि आखिर में कौन कौन इसमें बदमाशी कर रहे हैं, जो रोड पर खड़े रहते हैं या लापरवाही करते हैं, हम उसकी भी जांच करके उसमें भी हम जरूरत पड़ेगा हम पूरा थाना चेंज कर देंगे। वैसा कुछ अगर इस प्रकार से होगा तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्लियर है, हमारी बात एकदम स्पष्ट है। हम कभी भी क्राइम को बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे खून खोलने लगता है जब कोई इस प्रकार का क्राइम हो जाता है, और अभी बीच बाजार में चौक बाजार में हो जाना। कोचस में पिछले माह 16 तारीख को एक पेट्रोल पंप संचालक के बैंक में पैसा जमा करने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद में उनके पास जो पैसा जमा करने ले जा रहे थे वो छीन लूट कर भागने लगे थे। पब्लिक के द्वारा घेर कर लोगों से पैसा छीन लिया गया था वापस, तो पैसा लूट नहीं पाए थे। लेकिन उसी दौरान एक पब्लिक को भी उन्होंने एक गोली मारी थी पैर में, और पेट्रोल पंप जो संचालक थे उनकी मर्डर हो गया था। उसके घटना के लिए उद्भेदन के लिए हम लोगों ने ASP सासाराम अरविंद सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने 4-5 थाना प्रभारियों की टीम बनाई। तत्काल हम लोगों ने वहाँ लापरवाही जो हुई थी, वहाँ के SHO और पेट्रोलिंग पार्टी इंचार्ज को भी निलंबित किया था। इसमें लगातार हम लोग लगभग पिछले 15 दिनों में कड़ी मेहनत इन लोगों ने की, क्योंकि इसमें जो क्रिमिनल्स थे वो लोकल नहीं थे, इसलिए टाइम लग रहा था। जो शूटर्स थे आइडेंटिफाई हुए, तो बक्सर जिला के तीनों वहाँ निकले। वहाँ के बक्सर SP साहब से भी सहयोग मांगा था, बक्सर SP साहब भी लगे, और उन्होंने अपनी टीम लगाकर 3 क्रिमिनल्स को वहाँ पर गिरफ्तार किया। उसमें उन लोगों ने स्वीकार किया कि ये घटना में शामिल है, और जो यहाँ पे सासाराम के जो 2 क्रिमिनल थे, जो कोचस बाजार के बॉर्डरिंग रहने वाला था दिनारा में और करगैर में, उसका पैतृक घर है, वो अरेस्ट हो गया है। साथ में जो हाइड आउट था जिसके घर में ये लोग कॉन्स्पिरेसी किया था, छुपे थे, वो भी अरेस्ट हो गया है। सभी क्रिमिनल्स इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, और इनका कन्फेशन प्रॉपर तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इनका घटनास्थल पर मोबाइल से CDR निकाला है हम लोगों ने, घटनास्थल पर इनकी लोकेशन भी है, सारी चीज़ें उसमें एविडेंस इन पर है। हम लोग उनका CCTV फुटेज का और उनके हुलिया का मिलान कराने के लिए FSL में भी जांच के लिए भेजेंगे। पूरी घटना का सही से उद्भेदन हो चुका है, अब इनको प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग चार्जशीट करेंगे इन्वेस्टिगेशन करके।